स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास टेंथ जो सब्जेक्ट हिंदी होगा ग्रामर का व्याकरण का चैप्टर वन वर्ण विचार का एमसीक्यू क्वेश्चन जानेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप दसवीं क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या तो आप इस प्रश्न को जरूर देखें, इस एमसीक्यू क्वेश्चन को जरूर देखें क्योंकि इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न की बात करें तो कह रहे हैं भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो दोस्तों भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसमें ऑप्शन दिया है पहला लेखों की और दूसरा दिया है कहानी की और तीसरा दिया है विचारों की और चौथा दिया है रचना की। तो इसमें से सही इसका उत्तर अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विचारों की। क्या उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा विचारों की। तो आप कह सकते हैं भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, विचारों की। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। दोस्तों क वर्ण का उच्चारण स्थान, देखिए आप सभी प्रश्न को कॉपी में नोट करते चलें क्योंकि आपको उस समय काम आएंगे जब रिवीजन करिएगा या एग्जाम के लिए तैयारी करिएगा प्रिपेयर करिएगा तो आपको ये क्वेश्चन काम आएंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कंठ और दूसरा दिया है तालु और तीसरा दिया है दंत और चौथा दिया है मृदा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे कंठ जो हो उसका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है वर्ण अक्षर वर्णमाला और यहाँ पे दिया है समूह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, इसका वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को यहाँ पे वर्णों बना लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों हिंदी भाषा जो है ये पहला ऑप्शन इसमें दिया है देवनागरी और दूसरा दिया है अंग्रेजी और तीसरा दिया है यूनानी और चौथा दिया है रोमन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी होता है हिंदी भाषा का लिपि, किसमें लिखी जाती है देवनागरी में। जल्दी इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो पहला ऑप्शन दिया है त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता और दूसरा दिया है मानवता के आधार पर भाषा प्रदान करता है और तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें से नियमों का विश्लेषण नहीं करता, चौथा दिया है आवश्यक नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है कि मानवता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, व्याकरण वह ज्ञान है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को कहते हैं। दोस्तों व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को कहते हैं क्या, पहला ऑप्शन है भाषा और दूसरा है अक्षर और तीसरा है मुहावरा और चौथा है वाक्य। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाषा। इसको भी नोट करें जल्दी, ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अब अगला प्रश्न की बात करें, ये कह रहा है ह का उच्चारण स्थान है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए मृदा और दूसरा दिया है दंत और तीसरा दिया है कंठ और यहाँ पे चौथा तालु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कंठ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कंठ। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते। दोस्तों हिंदी वर्णमाला जो होता है उसमें स्वर्ण वर्ण कितने हैं, इसमें बात करें पहला ऑप्शन दिया है 11, दूसरा दिया है 12, तीसरा दिया 13 और चौथा दिया 14। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 11। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में एक मात्रिक या मूल स्वर कौन है। पहला ऑप्शन दिया है स और दूसरा दिया है अ और तीसरा दिया है व और चौथा दिया है भ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इसका अ उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है, अ। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करें,
किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है अल्प प्राण और दूसरा है संगम और चौथा है महाप्राण और चौथा है वलाघात। देखिए दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिया है, आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिए। अब यहाँ पे दसवां का आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संगम। क्या है संगम? क्या है दोस्तों? किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम कहते हैं। ठीक है, संगम कहते हैं, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिए, क्योंकि 10th क्लास का एग्ज़ाम के लिए आपको ये MCQ पढ़ना ज़रूरी है, और ज़रूरी भी हो गया है MCQ, क्योंकि MCQ के भरोसे आप लोग आते हैं टिक करके कि सही होगा या नहीं होगा, तो उससे अच्छा आप कुछ पढ़ ही लीजिए। एक मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।